दिशाभूमि परिसर में आज भूमिगत पार्किंग के विरोध में बड़ी संख्या में जन समुदाय उमड़ा था, जहां जमकर नारेबाजी लोगों द्वारा की गई और सामान की तोड़फोड़ कर जलाया भी गया, जिससे परिसर में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई थी। भूमिगत पार्किंग का कार्य स्मारक समिति के माध्यम से किया जा रहा था, जिससे पहले से ही लोगों द्वारा विरोध जताया जा रहा था और आज जनाक्रोश परिसर में देखा गया। सामान को तोड़ा गया और जलाया भी गया, जमकर नारेबाजी भी की गई, जिससे परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की सतर्कता से जल्द ही स्थिति को सामान्य बनाई गई। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने दिशाभूमि परिसर में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। आपको बता दें कि दिशाभूमि के लिए विकास योजना तैयार की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं। स्मारक समिति के सुझाव के अनुसार पूरी योजना तैयार की गई है। तदनुसार भूमिगत पार्किंग का कार्य स्मारक समिति के माध्यम से किया जा रहा था। जनभावना के मद्देनजर ट्रस्टियों को यह काम नहीं करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने विरोध के बाद भी निर्माण शुरू रखा, ऐसा विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों द्वारा कहा गया है। मेट्रो की अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर आज जो है दीक्षाभूमि परिसर में लोगों द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला है, उनसे हम जानते हैं आज यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या बताओ? ये काम आहे ना सुरू होते, जैसे भी आणून हे सगळं बंद करायला पाहिजे, जमीन दोस्त करायला पाहिजे, जशी जमीन आमची होती तशीच करायला पाहिजे, हे आमचं म्हणणं आहे। आताच्या आताच ते कुठे गेले? रासू आणि ते फुलजले त्यांनी यावं आमच्या समोर। ही दीक्षाभूमी ही आमची आस्था आहे आणि आमच्या आस्थेवर त्यांनी घात केलेला आहे। या घाताला कुठेतरी पूर्ण विराम द्यायला पाहिजे। त्यांचं नेहमीचंच असते, कधी 20 एकर पाहिजे तर कधी दीक्षाभूमी। का आपण म्हणतो की बाबासाहेबांची कुठली गोष्ट असली की हे लोक तिथे जाऊन आपलं कारस्थान करतात। आम्हाला अंडरग्राऊंड पार्किंग नको, तुम्ही आम्हाला सौंदर्यीकरण करून द्या ना। आम्ही असं नाही म्हणत सौंदर्यीकरणाच्या आम्ही विरोधात आहोत, पण आम्हाला अंडरग्राऊंड पार्किंग नको। मी राजकुमारी फुप। तो जिस तरह से विरोध ये सौंदर्यीकरण को नहीं, सिर्फ अंडरग्राउंड पार्किंग को हो रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग ची इथे गरज आहेच नाही, मुद्दाम आहे नाही। कधी इथे दसऱ्याच्या दिवशी 14 एप्रिलला 14 ऑक्टोबरला जे एवढी गर्दी असते, आम्ही कुठल्या कुठे गाडी ठेवतो, आजपर्यंत आम्हाला गरज भासली नाही। आज का हे सगळे RSSला लागलेले आहेत, जुळलेले आहेत, म्हणून यांना वाटते अंडरपाय। आणि ही फक्त दीक्षाभूमी जसं मंदिरामध्ये सीमित असते तसं आमचं हे बनवण्याचा प्रयत्न करून राहिले आहेत, पण आम्ही याला बिलकुल आम्ही याला तयार नाही आहोत की हे अंडरग्राउंड पार्किंग करतील। आम्ही याला मुद्दाम आम्ही तयार नाही आहो आणि मान्यता देऊ नाही। यांनी इथे यावं आणि आज त्यांनी इथे बोलवलं होतं आम्हाला, हे का आले? आज एक निर्णय घेतला असता आज हे दृश्य नजरेसमोर आलेलं नसतं आपल्या, हे अजिबात झालं नाही। आम्ही बुद्धांच्या तत्वावर चालणारे आहोत, आम्ही असं काही करू शकत नाही, पण यांनी आम्हाला मजबूर केलेलं आहे की आम्ही हा आज पाय उचलला, नाहीतर आमचे लोक आपले लोक कधीच असे करत नाही। ये दीक्षाभूमि में जो पार्किंग जो बना रहे हैं ये इलीगल है, लीगल नहीं है ये पार्किंग। वो ITI के पास में जो ज़मीन है गवर्नमेंट की खाली, वहाँ ले जाइए। हम दीक्षाभूमि पे आते हैं, यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती ना। विजयादशमी दिन में आते हैं, वहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। इतना बड़ा पार्किंग करके क्या करेंगे? ये पार्किंग आप उधर में ला दिए, ITI के पास ज़मीन है उधर में, ये 14 एकड़ ज़मीन थी, इसको तो बेच के खा गए। और ये पूजनीय मट्टी है, ये मट्टी भी बेच के खा रहे, इसलिए इनको दंडित करो और ये पार्किंग बंद करो। लिखित लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये पार्किंग ऐसे बंद करो। लिखित दे रहे हैं, लिखित देना चाहिए, लिखित देना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ की ये बॉडी पूरी बर्खास्त कर दो और दूसरी बॉडी बर्खास्त चल रही है, ये करते हैं। मंदिर है, काला राम मंदिर में वहाँ बोर्ड लगाया वहाँ के लोगों ने कि यहाँ महार मगर चमार कोई नहीं आएगा और गाँव वाले लोग उनको पानी नहीं पिलाएंगे ना वो उनके यहाँ जाएंगे, ऐसा करके वहाँ लगा था। तो अभी अपने लोग जाके वहाँ झंडे गाड़ दिए, वो तोड़ दिए बोर्ड उनका, तो ऐसा ये चल रहा है, क्या करेंगे उसके लिए? ये अंदरूनी बहुत बड़ा लंबा गार्ड है, अंदरूनी वाला जो है, ये पार्किंग तो बंद हो जाएगी ना, बंद ही होना चाहिए बिल्कुल। उसके सिवा सर्वांना बौद्ध बांधव आहेत नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर जे आले आहेत आणि जे त्या लोकांना सर्वांना जय भीम नमोबुद्धाय करते। आणि ही जी व्यवस्था आहे आजची जी व्यवस्था म्हणजे लोकांना
आम्ही लोकांनी नाही का मॅसेज करून त्यांनी पूर्ण भारतातल्या लोकांना आवाहन केलं होतं की तुम्ही सच्चाई काय आहे. काही कमिटीची जे लोक आहेत त्या लोकांच्या म्हणणं होतं की बा का सोशल मीडियावर गलत याने मेसेज पाठवून त्यांनी लोकांना बहकवण्याचं काम करत आहेत. हां पण तसं नाही आहे. आता हे कमीत कमी इथं जे येणारे 1 तारखेला जे लोक आलेले आहेत लाखो लोक आलेले आहेत तर त्या लोकांचं म्हणणं आहे की हे जनतेची प्रॉपर्टी आहे आणि जनतेची प्रॉपर्टी असल्यानंतर हे काम जे आहे अनधिकृत ढंगानं ते हे करत आहे आणि या राज्याचे जे मुख्य नितीन गडकरी आहेत त्या लोकांनी दीक्षाभूमीला आपला का सुरेश ससईजी भंतीजी आहेत इंदोरा बुद्धविहारमध्ये राहतात चुनावच्या 2 महिन्याआधी जाऊन त्यांनी तिथं त्यांची सही घेण्यात आली आणि हा काळा काळ म्हणजे काळाच म्हणा लागेल या तुम्हाला अगर नितीन गडकरीला मी सीधा सांगण्या चाहतो हे जे अनधिकृत जे पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग जे आहे हे आम्हाला पाहिजे नाही हे आम्हाला पाहिजे नाही आहे. आम्ही कदापि मान्य करणार नाही आणि याच्या विरोध प्रदर्शन नेहमी आम्ही करत राहू आणि हे जितक्या आज अगर रोखलं नाही तर हे आंदोलन पुढे जाईल आणि हे आम्हाला अगर या लोकांना काम करायचे आहे आम्ही पण त्यांचा सपोर्ट करू. 1000 पट्टा आम्हाला पाहिजे दीक्षाभूमीसाठी आणि 5 किलोमीटर दूरवर या लोकांनी पार्किंगची व्यवस्था केली पाहिजे हे आम जनते. दीक्षाभूमी परिसर के लिए विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए दिए गए थे जिस निधि से कई तरह के कार्य परिसर में किए जा रहे हैं. इसी के साथ ही परिसर में अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जा रही जिससे लोगों का बड़ी संख्या में विरोध होते थे. राज्य सरकार ने तुरंत इस अंडरग्राउंड पार्किंग को स्थगिति दे दी है. अभी मानसून सत्र चल रहा है अभी फोन आए थे उनके लेकिन ये दीक्षाभूमि ये शांति का स्थल है और यहाँ पे शांति यानी अशांति के रूप में परिवर्तित हो रही है अच्छा नहीं है. दीक्षाभूमि अलग ही स्थान है वो देश के लिए एक आइडियल स्थान है आदर्श स्थान है और इस आदर्श स्थान बौद्धों के लिए नहीं है तो सारे विश्व के जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के ऊपर चलने वाले लोगों के लिए ये शांति स्थान है. यहाँ पे ऐसा हमने देखा कि आग लगी वगैरह वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए. शांति का प्रतीक है तो यहाँ पे जो मसला है वो अपन टेबल पे बैठ के भी कर सकते हैं. यहाँ पार्किंग नहीं होना ये लोगों की अगर भावना है तो निश्चित तौर से लोगों की भावनाओं की कद्र होना चाहिए. ये उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए ऐसा हमारा मत है. हम आके गए आके जाने के बाद में शांतता लोगों को शांति करने का ये किए लेकिन आज यहाँ पे ऐसा हो रहा है गलत है. ये पूरे विश्व में मैसेज क्या जाएगा तो ये हमको बहुत हम खुद ही बौद्ध लोग हैं यहाँ पे जो जितने भी बौद्ध अनुयायी एक आवाज़ के ऊपर एक यानी सूचना देने के माध्यम से यहाँ लाखों लोग यहाँ पे जमा हो गए और ये कहीं तो भी ये मसला हल होना चाहिए. यहाँ पे पार्किंग नहीं होना चाहिए. ये बौद्ध स्थल है यहाँ पे लोग आके अपना यहाँ के मट्टी अपने माथे को लगा के लोग जाते हैं. अपने जो बाहर से आए हुए लोग अपने झोले में यहाँ की मट्टी डाल के लेके जाते हैं. ये पवित्र माटी है मट्टी है तो ये कहीं तो भी बंद होना चाहिए. यहाँ पे कोई राजकारण लाना नहीं चाहिए. यहाँ पे किसी ने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए. अपन सब बौद्ध लोग इकट्ठा है और इकट्ठा रहना चाहिए ऐसा मैसेज जाना चाहिए. यहाँ पे एक गट बोल रहा है कि वहाँ पे ये होना चाहिए और दूसरा गट बोल रहा है कि वहाँ नहीं होना चाहिए. ये एक सुर में एक जगह बैठ के एक ही मैसेज जाना चाहिए समाज की ओर से. ये मत कहूँ मैं विनती करता हूँ मैं हाथ पैर जोड़ के मेरे लोगों को विनती करता हूँ कि ये कहीं तो भी रुक जाना चाहिए. ये जो आग लगी है ये आग कहीं तो भी शांत होना चाहिए. मैं उनको भी कहूँगा और जो समिति वाले लोगों को हम मिल रहे हैं अभी और यहाँ पे अगर ये मेट्रो की अगर बात है हम मेट्रो वालों से भी आज बात करने वाले कि ये क्या मसला चला. तुम्हारे को जो जितनी जगह है उधर ले लो. ये पहली जगह कम पड़ रही है. यहाँ पे लाखों लोग आते हैं सोने के लिए जगह नहीं है बैठने के लिए जगह नहीं है. बाजू की जगह 4 एकड़ देने के लिए कहा था अभी तक के वो 4 एकड़ जमीन मिली नहीं है और वो उसके उलट यहाँ की जमीन
पार्किंग के लिए ले रहे हैं, ये बराबर नहीं है। वो सामने उधर की जो जगह है वो जगह हमें मिलना चाहिए, ये मत का मैं हूँ। हम इसके लिए अभी करेंगे, जो भी कार्रवाई करना है, जो मदद करना है वो करेंगे हम, लेकिन ये समाज में दो गुट नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा नाम विनय भांगे, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का सदस्य हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य हूँ। ये जो आज विरोध यहाँ चल रहा है, आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि में लाखों की संख्या में अनुयायी आ चुके हैं। ये लोगों के लिए ये मिट्टी का आप मोल नहीं लगा सकते। जिस प्रकार मंदिर मस्जिद का मुद्दा होता है, उनकी मिट्टी उनके लिए पावन होती है, ये हमारी पावन दीक्षा भूमि। यहाँ पे बाजू में 2 एकड़ खाली ग्राउंड है, जहाँ पे क्रिकेट की टूर्नामेंट होती है, क्रिकेट क्लब चलता है, वहाँ पे ये सब चीज़ कर सकते थे। इस मिट्टी को जितना इन्होंने गड्ढा किया है, उसी जितने तेज़ी से गड्ढा किया उतने तेज़ी से अभी उनको गाड़ेंगे। और यहाँ ये सुधीर फुलझले और ये कमेटी को आह्वान है, मैं जा रहा हूँ उनके घर मेरे सारे साथियों के साथ। सब चल रहे हो, दीक्षा भूमि मुक्त करो, दीक्षा भूमि मुक्त करो। स्मारक समिति का मुर्दाबाद, स्मारक समिति मुर्दाबाद, वंचित बहुजन आघाडीचा मित्रांनो, आंबेडकर समाजचा विजय असो। मित्रांनो लक्षात ठेवा, ज्या 500 महाबटालियांनी 28,000 पेशव्यांची कत्तल केली होती, त्याचप्रमाणे तुम्ही आम्हाला भडकवू नका, आमच्या भावनांना भडकवू नका। ही जी दीक्षाभूमी आहे, ही पावन भूमी आहे, आमची आमची प्रेरणाभूमी आहे, आमची क्रांतीभूमी आहे ही। आणि इथली तुम्ही माती, इथली तुम्ही मातीची विल्हेवाट लावत आहात, लक्षात ठेवा, तुम्हाला माती सुद्धा मिळू देणार नाही। या समितीच्या लोकांना मी आवाहन करतो की जेवढे समितीचे लोक आहे या सर्वांनी राजीनामा द्यावा। मागच्या 60-70 वर्षापासून या समितीने या दीक्षाभूमीच्या 7-12 अजूनपर्यंत दीक्षाभूमी हे नाव का नाही चळवलेलं? आम्ही त्यांना जाब विचारतो, आम्ही त्यांना नियुक्त केलेलं इथे, ते आमचे प्रतिनिधी आहेत। मग त्यांनी आतापर्यंत दीक्षाभूमीच्या 7-12 दीक्षाभूमीचं नाव का नाही केलं? अजूनही झुडपी जंगल, अजूनही इथल्या 7-12 झुडपी जंगल म्हणून का येते? याच्यासाठी कारणीभूत हे जेवढे स्मारक समितीचे लोक आहेत ना, या सगळ्यांना हटवलं पाहिजे। कारण हे स्मारक समितीचे लोक कितीतरी ह्या विशिष्ट राजनितीच्या ज्या लोक पार्ट्यांपासून ते अभिप्रेत आहे, ह्या वेगळ्या पार्ट्यांचे लोक आहेत हे लोक। आणि हे कभी नहीं चाहेंगे की ह्या जो लाखो लोक यहाँ आते है ना, लाखो लोगों का जो समंदर यहाँ आता है ना, ये लोग डर चुके वो समंदर से। अभी गाय बैलासारखा जगणारा माणसाला बुद्ध धम्माची दीक्षा देऊन माणुसकीमध्ये आणलं, बुद्ध दाखवला, शांतीचा मार्ग दाखवला, आज तेच बाबासाहेबांचे अनुयायी बौद्ध आंबेडकरी जनता या दीक्षाभूमीवर आक्रोश करीत आहेत। कशासाठी? तर या स्मारक समितीच्या चुकीमुळं। कशी चूक झाले? जेव्हा या ठिकाणी विकास कामाला शासनाने मंजुरी दिली, स्मारक समितीचं काम होतं की या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं विकास काम होणार आहे, कसं होणार आहे हे जनतेसमोर मांडायला पाहिजे होतं, त्यांनी तसं न करता गुपचूप ठेवलं। आणि आज मागच्या 1 महिन्यापासून इथं जेव्हा बांधकाम सुरू झालं, तर जनतेने विचारलं की हे काय आहे, तर त्यांना सांगण्यात आलं की या ठिकाणी भूमिगत पार्किंग होणार आहे। आता ज्या ठिकाणी 20 आणि 25 गाड्या दररोज येतात 4-व्हीलर, त्या ठिकाणी एवढा करोडो रुपयाची पार्किंगची काही आवश्यकता नाही। आणि पार्किंग बनलं तर ड्रेनेज काय करणार तुम्ही? ड्रेनेजची व्यवस्था कशी? व्हेंटिलेटरची व्यवस्था कशी? तुम्ही लाइटिंगची व्यवस्था कशी करणार आहात? आधुनिक सुखसुविधा त्या ठिकाणी कशा देणार आहात? शुद्ध हवा कशी देणार आहात? म्हणजे हा फक्त स्मारक समितीला आम्ही पैसा देतो म्हणून शासनाने घोषित केलं, आणि काहीतरी या ठिकाणी या पैशाचं खर्च झालं पाहिजे म्हणून काहीही बनवून ते दीक्षाभूमीला देणं हे काय बरोबर नाही। आमची जनते जो काय जनाक्रोश आहे, आमची जनतेला मागणी आहे, आणि सरकारला तातडीनं पुनर्विचार करावा या पार्किंगबाबत, तातडीनं। स्मारक समितीनं आता गप्प बसता कामा नये, त्यांनी त्वरित NMRDA च्या माध्यमातून शासनाला त्वरित पत्र पाठवून की हा काम थांबवा आणि याचा पुनर्विचार करा। जे काही खर्च झाले असतील ते ठेकेदारांच्या माध्यमातून होऊ द्या, परंतु हा काम थांबवून हा जो सौंदर्याचा काम आहे त्याला गती देण्यात यावी। हा काम थांबवा, जनतेची मागणी आहे, पुनर्विचार करावा। त्वरित आता यांचं काम आहे जनतेला शांत करणं, नाहीतर जनता आता याबद्दल सांगतायत ना, आमचा आवाज दाबण्यात येतो म्हणून आंबेडकरी जनतेने हा धूर काढून या शांतीच्या भूमीवर धूर काढून आपला निषेध व्यक्त केलेला आहे। आणि या धुराच्या माध्यमातून इथल्या राजकारण्यांना
बाजूच्याच वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या आमच्या देवेंद्र फडणवीसांना आणि बाजूलाच राहणाऱ्या गडकरी साहेबांना या धुराच्या माध्यमातून आंबेडकरी जनता सांगत आहे की आमचा विरोध आहे, तुम्ही तातडीनं पुनर्विचार करा या भूमिगत पार्किंगच्या बाबत, आणि उर्वरित जे काय सौंदर्यीकरण आहे ते ॲज इट इज ठेवा, पार्किंग नको जनते नाही तर नाही। तो हमने देखा कि यहाँ जो अंडरग्राउंड पार्किंग होने जा रही है उसको लेकर यहाँ पर जो है लोगों का विरोध हो रहा है, और ये विरोध इतना आक्रामक दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो सामान रखा गया था उसकी तोड़फोड़ की गई, वहाँ जलाया गया है, और ये पार्किंग जो है अंडरग्राउंड पार्किंग ना हो इसके लिए ये विरोध प्रदर्शन यहाँ लोगों द्वारा किया है, और लोग जो है दूर दूर से यहाँ विरोध जताने के लिए उपस्थित हुए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।